जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत सहायक वाचन खंड से पाठ 3 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। आइए बच्चों, अब हम डॉक्टर यतीश अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। डॉक्टर यतीश अग्रवाल का जन्म 20 जून 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर यतीश अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। सन 1980 से उनके स्तंभ, लेख और चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय, हिंदी, अंग्रेजी दैनिक पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल भारत सरकार के अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किए जा चुके हैं। 2003 में शिक्षा पुरस्कार, 1999 में आत्माराम सम्मान, 1999 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, 1991, 92, 93 में मेघनाथ साहा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पाठ का सारांश। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस पाठ में भारत की चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि का उल्लेख किया है। इसमें शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत के योगदान के महत्व को निरूपित किया गया है। उनके सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। उससे पता चलता है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। शल्यक्रिया, दंत चिकित्सा, अस्थि चिकित्सा और काया सिंगार यानी प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन का उनके ग्रंथ में विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि सुश्रुत का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग था। उनका ही अनुसरण करते हुए अत्रेय, जीवक, चरक और बाघभट्ट जैसे चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि को गौरवान्वित किया। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। यह बात प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की उन्नतिशीलता की ओर संकेत करती है। आइए अब हम पाठ पढ़ेंगे। भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी। वाराणसी जो शुरू से ही शिक्षा का केंद्र रही है, गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद, जीवन दान देने वाली कला की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा देवोदास के शिष्य थे। देवोदास को भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा गया है। सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, बस
इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और उनका बाल्यकाल गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा महान चिकित्सा शास्त्री देवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा न था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, भगंदर और बवासीर के ऑपरेशन और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर माँ के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार यानी प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिस्त्र पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंहमुख सिंह के मुख के जैसा, गृद्धमुख गिद्ध के मुंह जैसा, मकरमुख मगरमच्छ के मुंह जैसा आदि। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम ना थे। इसके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम हैं मंडलाय, करपत्र, मुद्रिका, बहिर्मुख आदि। ये शल्य औजार प्रायः लोह धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर न पड़े और इनमें कभी जंग न लगे। उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न उत्तकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे तो कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, कुछ मोटी कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था।
दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गए आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म के चीटों का प्रयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चीटे छोड़ दिए जाते थे। वे चीटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल जाते थे। जब चीटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके कस दिए जाते, कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता। साथ ही चीटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागों का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम शरीर का वह भाग दोबारा न खोलना पड़े। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी व्यापक जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने के काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी, जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था। एक सप्ताह बाद जब बाहरी त्वचा और उत्तक फूल जाते, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे, उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंद मूल फल फूल पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरे मस्कों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी करेला तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचाने और उसे भरने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाएं, इसका प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा किया जाता, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाज़ा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी शिरा यानी रक्तवाहिनी बन जाती, जिससे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टांका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़ों पर दिया जाता। खुरदुरा चमड़ा, जिस पर से बाल न हटाए गए हों, उस पर खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएँ देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता, तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह
पाठशाला से बाहर निकलता था। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग, एंजाइमा एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले इस स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईसा तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। अत्रेय, जीवक, चरक और बाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसे आप घर पे हल करने की कोशिश कीजिए। अभ्यास प्रश्न। पहला, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा, मानव शरीर के भीतरी अंगों की बनावट की जानकारी प्राप्त करने की सुश्रुत युगीन पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा, सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता था। चौथा, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। पांचवा, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। छठवां, महर्षि सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक लिखिए। सातवां, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।